साथियों, एक प्रचारक की मैं दो मिनट में जिंदगी बताता हूँ। हमें कभी पेट में दर्द नहीं होता, हमें कभी बुखार नहीं होता, हमारे घर में कभी माता पिता बीमार नहीं होते, हम 24 घंटे सातों दिन काम करते हैं, हम कभी बहाना नहीं बनाते। और मुझे ऐसा याद नहीं आता कि कभी मैंने ऐसा किया हो और मिशन के साथ गद्दारी की हो। मेरी वाइफ, जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन मैं सहारनपुर में मीटिंग लगाने गया क्योंकि प्रोग्राम फिक्स हो चुका था। साथियों, नैनीताल से जब हम प्रचार करके आए, दो मिनट में मैं खत्म कर दूंगा, मैं प्रचारक की जिंदगी बता रहा हूं, अपनी नहीं, सॉरी, माफ कीजिएगा, मैं आपको नमूने के तौर पर प्रचारक की जिंदगी बता रहा हूं। जब हम नैनीताल से प्रचार करके निकले तो ऊंची जाति के लोगों ने रात के 12 बजे हमारा पीछा किया और हमला करने की कोशिश की। हम बचते बचाते जब अपने घरों में रात के 1:30 बजे हमने दरवाजे खटखटाए तो किसी ने भी दरवाजे नहीं खोले, क्योंकि यूपी के अंदर रात को दरवाजे खटखटाने का मतलब आप समझते हैं। हमें एक विधवा औरत ने हमारी जान बचाई, उसने हमें अपने घर में घुसाया और बाबा साहब को, वो मिशन को जानती थी, उसने हमें आश्रय दिया। साथियों, विकासपुरी थाने के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर बंगाल एक्ट लगाया गया पोस्टर लगाने पर, ठंड में, दिसंबर का महीना था। ऐसे तमाम बहुत सारे ऐसे हादसे हमारे साथ हुए हैं, लेकिन हमने उन सबको शिकस्त दी और आज तक हम लगातार काम कर रहे हैं और जब तक आखिरी बूंद है खून की तब तक काम करते रहेंगे। साथियों, कभी हमारे पेट में दर्द नहीं होगा, कभी हमें बुखार नहीं होगा, कभी हमारे माँ बाप बीमार नहीं होंगे। अगर मेरी माँ मरी भी है तो भी मैंने मिशन का काम किया है, रेगुलर किया है, और जो उनका जरूरी काम था उस समय उतना ही समय दिया मैंने उनको। धन्यवाद कह रही हूँ।